हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube के मल्टीमीडिया चैनल द रेनबो पिटारा में। हमारे द रेनबो पिटारा YouTube मल्टीमीडिया चैनल द्वारा टाई बांधने के 17 स्टाइल का सीरीज वीडियोस क्रिएशन प्रस्तुत किया जा रहा है। इन वीडियोस में बहुत ही आसान तरीके से अलग अलग तरह की टाई बांधने के तरीकों को वीडियो और वीडियो के साथ साथ पिक्चर्स के माध्यम से क्रिएट किया गया है। ऑफिस, पार्टी या किसी भी ऑक्शन पर यदि आप अलग अलग तरीके से टाई बांध कर डैशिंग दिखना चाहते हैं या भीड़ में अपने आप को स्पेशल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे इस टाई सीरीज के 17 वीडियोस को पूरा देखिए। आपको जरूर हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। सभी टाई सीरीज वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारे चैनल टीआरपी को यूट्यूब पर सर्च करके भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। टाई श्रृंखला के इस पहले वीडियो में हम टाई बांधने का सबसे आसान तरीका सिखाएंगे। ये स्टाइल स्कूल के बच्चों द्वारा सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टाइल को फोर इन हैंड नॉट कहा जाता है। टाई बांधने की प्रोसेस को आसान तरीके से समझने के लिए आइए पहले कुछ शब्दों को पिक्चर के माध्यम से समझ ले जो इस वीडियो में प्रयोग किए जाएंगे। तस्वीर में देखें, समझें कि आपका दाहिने तरफ कहाँ है और आपका बायां तरफ कहाँ है। टाई का आगे का भाग, पीछे का भाग, मोटा सिरा, पतला सिरा कौन सा है, नॉट कहा है। सबसे पहले टाई की पोजीशन पिक्चर के अनुसार रखिए। मूव वन में टाई का बड़ा सिरा लेफ्ट से राइट टाई के छोटे सिरे के ऊपर लीजिए। मूव दो में टाई का बड़ा सिरा राइट से लेफ्ट टाई के छोटे सिरे के नीचे से लेते हुए लेफ्ट साइड लाइए। मूव तीन में मूव वन की तरह एक बार फिर टाई के बड़े सिरे को लेफ्ट तो राइट टाई के छोटे सिरे के ऊपर से लेते हुए राइट लाइए। मूव फोर में टाई के बड़े सिरे को अंदर साइड से लेते हुए गोल घेरे में ले जाइए। मूव फाइव में टाई के बड़े सिरे को मूव फोर से टाई की नॉट पर बने लूप के अंदर से लेते हुए सीधे नीचे की तरफ निकाले। अब आप टाई के छोटे सिरे को खींचते हुए टाई की पोजीशन को अपने हिसाब से सेट कर ले और टाई की नॉट पर अंगूठे से दबाव डालते हुए डिंपल को उभार में या दबाव में अपने हिसाब से सेट कर ले।